आंखें खोल करके बैठो योग में, आंखें बंद नहीं करना, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब समझो कोई मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के भाई फोन क्यों किया, देख रहे वैसे। इसलिए कई भाई बहन क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, बात नहीं करेंगे। इसलिए बाबा से बातें करो, वो मीठे बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद दा बाबा, कोई प्रॉब्लम तो सुनाओ, क्यों बुलाया। इसलिए बाबा से बातें करो, योग में नींद नहीं आएगी। नींद क्यों आती है, क्योंकि बातें नहीं करते, चुप होकर के बैठे रहते, सुनना अवस्था में चले जाते हैं। इसीलिए रूरवान करो, बाबा से बातें करो। कई तो क्या करेंगे, योग करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब धीरे धीरे मैं अपने अव्यक्त वतन की तरफ जा रही हूं, चांद सूरज तारांगन के पार हूं। अब तारांगन से पार जाकर के झुटका लगा देंगे, नीचे कहां गिर जाएंगे, हड्डी गुड्डी टूट जाएंगी। ऊपर चढ़ते समय ध्यान से चढ़ना होता है। बाबा कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, दिखाई पड़ता है बाबा आप लोगों को, दिखाई पड़ता है। बाबा को देखने के लिए अलर्ट बैठने की जरूरत है। जैसे कोई शराबी शराब पीकर के गटर में पड़ा है, और उसको जाकर के कोई कहे यार 10 रुपए लेकर के जाकर घर में सो जाओ, लेकिन वो क्या कहता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है, राजा। इसी तरह अमृत वाला बाबा भी वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम तो निद्रा में ऐसे झूम रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। हाँ, कई तो अमृत वाला तो क्या दिन में झूमते हैं, मैं देख रहा हूं अभी भी, जोर से जाया भी कर रहे हैं। बाबा को तो ऐसे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, जो उबासी लेता है, नींद करता है, बाबा को लगता है इसको कोई कदर नहीं रत्नों की। इसलिए स्टूडेंट मतलब हम तो गॉडली स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी वो हैं, बक ध्यान काक चेष्टा अल्पारो ग्रह त्यागो ब्रह्मचर्य, क्योंकि सुनाने वालों को तब आनंद आता है जो सुनने वाले हैं, नहीं तो जोर से ऐसा ऐसा कर रहे तो क्या मजा आएगी सुनाने में। गॉडली स्टूडेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, अटेंशन से सुनना। इसलिए बाबा जब अमृत वाला आता है, जागृत होकर के बैठना। अगर कोई बच्चे के चेहरे पर मेकअप करे मां, और बच्चे ऐसा ऐसा हिला रहे हैं, थप्पड़ मारेगी, तुम शांत नहीं रह सकता। इसी तरह बाबा भी अमृत वेला आपके भ्रुकुटी में लिखता है, भाग्य लिखता है, मैं तुमको इतने जन्मों महल दूंगा, इतनी दासियां दूंगा, इतनी प्रॉपर्टी दूंगा, लिख रहे हैं, लेकिन हम क्या करें। अब लिखेगा कैसा वो, इसलिए कहावत भी बने, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या, कहावत बनी है। इसलिए अटेंशन से बैठना, अलर्ट होकर के बैठना, जितना अलर्ट होकर के बैठेंगे आपका भाग्य लिख जाएगा। अगर किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहे हैं, वो नींद करें, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा। इसलिए योग में कभी भी नींद नहीं करनी, आंखें बंद करके नहीं बैठना है, क्योंकि बाबा की ताकत कहां से मिलेगी। अगर योग में नींद करेंगे तो बाबा का बल कहां से मिलेगा, ताकत कहां से मिलेगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, बाबा से बातें करना।